हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 130 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न पहले पढ़ देते हैं। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, आपको ये निकालना है। यानी कि जो वृत्त वो वर्ग के अंदर है और उस वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता करना है। वर्ग का भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, पहले हम शेप ले लेते हैं। वृत्त है वो वर्ग के अंदर है, तो पहले हम वृत्त का शेप ले लेते हैं, ठीक है। यह मान के चलिए वृत्त है, ठीक है। और वृत्त किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। तो अब हम वर्ग ले लेते हैं। इसमें ना ई करने वाला नहीं है ना, बड़ा दिक्कत होता है। ये मान के चलिए हम क्या लिए हैं, वर्ग लिए हैं, ठीक है। हम ध्यान से देखिए, वर्ग के अंदर वृत्त है और वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है। तो मान के लिए भुजा वर्ग का कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। देखिए वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये जो हुआ वर्ग की भुजा है ये, और ये वृत्त का व्यास भी है। देखिए वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से तक वृत्त के केंद्र से होकर अगर लाइन खींचे, अगर परिधि दोनों परिधियों को आपस में मिलाती है व्यास बन जाता है। तो वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त के बीचों बीच केंद्र से अगर गुजारेंगे रेखा दोनों परिधियों को मिलाएंगे तो व्यास बन जाएगा वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास का भी मान 6 हो जाएगा। जब वर्ग का भुजा का मान 6 है यहाँ से वहाँ तक, तो वृत्त का व्यास का भी मान 6 हो जाएगा ना। जब वृत्त का व्यास का मान 6 होगा तो त्रिज्या का मान कितना होगा, त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है, तो 6/2 हो जाएगा। यानी कि 2 × 6 = 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा। अब आर का मान 3 सेंटीमीटर आ गया और उसके बाद हमको वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना निकाले थे, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3×3, तो 22×9/7, तो 9×2 = 18, 9×18 = 19, 198/7, तो 198/7 आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 198/7। कैसे बनाए, इससे पहले आर का मान निकाले। आर का मान कैसे निकाले, तो यहाँ पे प्रश्न में दे दिया है वर्ग का भुजा। जब यहाँ से यहाँ तक वर्ग का भुजा का मान 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जब वृत्त के बीचों बीच से गुजरेंगे, मतलब रेखा खींचेंगे केंद्र से होकर दोनों परिधि अगर मिलाएंगे, तो ये भी वृत्त का व्यास हो जाएगा। वर्ग का भुजा बराबर वृत्त का व्यास होता है, याद रखिएगा। देखिए जब एक वृत्त है, इसके बाहर अगर वर्ग है, तब क्या हो जाएगा, वृत्त का जो व्यास होगा वह वर्ग के भुजा के बराबर होगा, समझ रहे हैं ना। जब वर्ग अंदर में रहेगा, वृत्त बाहर में रहेगा, समझ रहे हैं ना। वर्ग अंदर में रहेगा, वृत्त बाहर में रहेगा, तब क्या होगा, तब जो होगा ये जो यहाँ से वहाँ तक जो ये मान ली वृत्त का केंद्र है और दोनों परिधियों जब मिलाएंगे ये रेखा, ये वर्ग का विकर्ण हो गया ना। इस सिचुएशन में वर्ग का विकर्ण बराबर होता है किसके, तो वृत्त के व्यास से, वृत्त के व्यास से। ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वृत्त वर्ग के अंदर है तो वृत्त का जो व्यास होगा, ये जो व्यास होगा वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा। जब अंदर में वर्ग होगा और बाहर से वृत्त होगा, तब वर्ग का विकर्ण होगा वृत्त के व्यास के बराबर। ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ पे वृत्त अंदर था वर्ग का, यहाँ वृत्त अंदर था वर्ग का, इसलिए वृत्त का व्यास बराबर होता है वर्ग का भुजा। तो यहाँ से व्यास बराबर 6, जब वर्ग का भुजा 6 है तो व्यास का भी मान 6, जब व्यास का मान 6 तो त्रिज्या का मान कितना, 3 हो जाएगा। और जब त्रिज्या का मान निकल गया तो पाई आर स्क्वायर में बैठा देते, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, 198/7 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है और इसे आप ध्यान में रखिए जो ये बताया। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना है। यहाँ पे विक्रम हो गया, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य। तो आपको SP निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे एक अंकित मूल्य दे दिया है और 12% 10% का दो क्रमिक छूट भी दिया है, छूट पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, 25% ये क्या कहता है, छूट जो दिया जाता है, छूट, ये जो छूट होता है डिस्काउंट, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, छूट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे। इसको मिटा देते हैं, मार्क प्राइस कितना है, 2500 है।
2500 में पहले कितना छूट दिया, 12%, 12% मतलब क्या हुआ, 88 में बेचेगा, 12% छूट दिया तो 88 में बेचेगा, फिर 10% छूट दिया, जब 10% छूट दिया बेचेगा कितना में, 90 में। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ ख़त्म, ऊपर में क्या बच गया, 25 गुना 88 गुना 9 बट्टे 10। इसी को आपको सॉल्व करना है, तो 25 गुना 88 गुना 9 है बट्टा 10 है, इसी को सॉल्व करना है ना। तो 25 नमक कितना होगा, पहले 9 पचास 45 9 दुना 18 4 22 यानी 225, और 225 गुना 88 करना है, तो 8 पंचे 40 4 8 16 20 2 8 16 2 18, फिर वही आ जाएगा कितना, 0 0 8 8 9 1, यानी कि 19,800। तो 19,800 बट्टे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया अंतिम मान, 1980 आ गया, कितना 1980। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1980, कुछ नहीं किए, अंकित मूल्य पे हमेशा छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य दे दिया 2500, इसी में दो कर्मी छूट दे दिया है 12% 10%, 2500 में जब 12% छूट देगा तो बेचेगा कितना, 88% में, और फिर 10% का छूट देगा बेचेगा कितना, 90% में। तो इसी को सॉल्व करके जितना आया वही आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो उसी को हम सॉल्व किए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पे गुना किए थे। ये टाइम, ये पाइप टंकी से संबंधित प्रश्न है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर भरने वाला पाइप रहेगा तो प्लस में लिखिएगा, अगर खाली करने वाला रहेगा तो माइनस में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये हम बता दिए, ठीक है। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे। पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 घंटों में खाली कर सकता है, यानी कि ए भरने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला है। यदि दोनों पैरों, दोनों पाइप होगा ना, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक होगी, पाइप पी यहाँ डिनोट करते पी, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। देखिए, ए है बी है, ए 11 घंटे में भरता है तो बी 15 घंटे में खाली करता है, ए भरने वाला पाइप है, यहाँ प्लस हो जाएगा, बी खाली करने वाला, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, तो 15 11 एलसीएम कितना होगा, 15 कम 15 16 165 आ जाएगा, तो 11 1 15 कितना, 15 बार में, यानी कि ए की क्षमता 15 आ गया और बी की क्षमता 11 आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल हमको निकल गया 165, ए का भी क्षमता बी का भी क्षमता निकल गया। अब क्या कहता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जा रहा है तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा, जो देखिए टोटल कितना है, 165 है टोटल काम, और दोनों पाइपों को खोला जा रहा है, ए भरने वाला है बी खाली करने वाला है, ए भरने वाला है तो यानी इसका क्षमता प्लस में, ये खाली करने वाला इसका क्षमता माइनस में, तो कितना 165 बट्टे 15 में से 11 गया 4, तो 165 बट्टे 4 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो देखिए कैसे घंटा मिनट में दिया हुआ, हमको यहाँ 165 बट्टे 4 आया है, अब इसको ऐसे में बदलेंगे तो यहाँ देखिए 165 बट्टे 4 है, इसको पहले 4 से भाग कीजिए, 40 चौके 4 16 160 उधर 5, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 165 बट्टे 4 को 40 पूर्णांक 5 बट्टे 4 लिख सकते हैं। आइए तो घंटा, इसको मिनट में बदलेगा, 60 से गुना कीजिएगा, 4 से 60 15 बार में, तो यहाँ 40 घंटा आवर, यहाँ 15 5 75, ये तो आपको मिनट आ गया, 75 मिनट, 75 मिनट में कितना घंटा कितना मिनट, 75 मिनट में 1 घंटा है और 15 मिनट है ना, तो ये 1 घंटा इसको दे देगा, तो यहाँ 40 आवर था, तो यहाँ टोटल 41 आवर हो जाएगा, 41 घंटा और कितना मिनट, 15 मिनट, ये आपका आंसर होगा। तो 41 घंटा 15 मिनट में खाली टैंक को भरने में समय लगेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 41 घंटा 15 मिनट। ये प्रश्न जितने भी प्रश्न हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और सभी प्रश्नों को हम चुन चुन के लेके आए हैं, प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना, ए भरने वाला है तो प्लस में, बी खाली करने वाला तो माइनस में, दोनों का क्षमता निकाल लिए, ए का क्षमता 15 बी की क्षमता 11, टोटल वर्क निकालिए 165 में दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, एक भरने वाला एक खाली करने वाला, तो घट जाएगा, तो 15 में से 11 घटा 4, तो 165 में 4 से भाग कर दिए, तो 165 में 4 से भाग किए तो कितना 40 पूर्णांक 5 बटा 4 है, ये घंटा में, इसको मिनट में बदलें तो 60 से गुना किए, जब 60 से गुना किए तो यहाँ 4 से 60 15 बार में कट गया, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, ये महेश है, ये सुमित है, ठीक है।
महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन कितना है? देखिए तो यहाँ पे रुपया में कितना अधिक है, तो 12,000 रुपया अधिक है महेश का वेतन सुमित के वेतन से। लेकिन यूनिट में कितना अधिक है, यूनिट में कितना अधिक है, तो यहाँ पे 7:4 अधिक है। तो जब यूनिट में रेशियो में 3 अधिक है लेकिन रुपया में कितना अधिक है, 12,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12,000 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 से 12,000 कट जाएगा 4 बार में, तो 4,000 आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट का वैल्यू जब 4,000 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 आ गया, हमको किसका मान यहाँ पे निकालना है वेतन, तो सुमित का वेतन निकालना है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है तो सुमित का यूनिट में कितना मान है, 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4×16,000 हो जाएगा, तो सुमित का वेतन कितना हो जाएगा, 16,000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16,000। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। याद रखिएगा महेश का वेतन सुमित के वेतन का अनुपात दिया था 7:4, अगर रुपया में 12,000 अधिक है, महेश का जो वेतन है सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है, लेकिन रेशियो में तो 3 अधिक है ना, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो हमको कहा था सुमित का वेतन, तो सुमित का रेशियो में मान है 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16,000। अगर महेश का पूछता तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7×28,000 हो जाता, जिसका पूछता 28,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपया में बेचा जाता है, यदि इसे 15% के हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, ठीक है, देखिए इसको बनाते कैसे हम, तो देखिए इसको हम दो तरीके से बताते हैं। 15% लाभ पर 1725 रुपया में बेचा जाता है, यानी ये जो 1725 है किसका वैल्यू है, 115 का है, क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में 100 होता है, तो 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 115 हो जाएगा, यानी कि 1725 115 का वैल्यू है, हमको निकालना है 15% हानि हो रहा है, मतलब 85 में बेचा जाएगा उसको, 15% हानि का मतलब क्या, 85, इसी को सॉल्व करना है। तो ये कट जाएगा कितना, 15 बार में, अब 15×85 कीजिएगा तो 1275 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शॉर्ट में एक ही लाइन में आंसर निकाल ली, 1725 दिया था, किसका मान था, 115 का, 15% लाभ 115 मान दिया था, हमको निकालना है 15% हानि पर बेचा जाता विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो 15% हानि का मतलब क्या हुआ, 85, 100 में घट जाएगा 15, तो 85 का मान निकालना था। या इस तरह से अगर आपको समझ में नहीं आता तो कैसे कीजिएगा, पहला सिचुएशन में 15% लाभ है 1725 में बेचा जाता, यहां से सीपी निकाल लीजिए, अगर यहां से सीपी निकालिएगा तो 1725 गुना 100 बटे 115 हो जाएगा, तो ये कितना बार में कटेगा, तो अभी तुरंत काटे थे कितना बार में, 15 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, तो 15×100 1500 हो जाएगा, ये 1500 मेरा सीपी मान आ गया। ठीक है, अब 1500 सीपी आ गया, अब इसको 15% हानि पर बेचा जा रहा है तो एसपी निकालना है, तो बस एसपी निकालना, तो सीपी पता है, अब 15% हानि है तो यानी 85/100 हो जाएगा, तो 100 से 2020 कट जाएगा, 15×85 कीजिएगा तो आखिर 1275 आया ना, कितना, 2-3 स्टेप चलेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, लेकिन एक ही स्टेप आ गए, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, किसी विद्यालय में 150 छात्र है, यदि लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात, यानी कि बॉय है और गर्ल है, इसका अनुपात है 4:1, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपाति कितना होगा। मध्यानुपाति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बॉय और गर्ल का अनुपात दिया 4:1, लेकिन टोटल छात्र दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 150, यानी 150, यूनिट में टोटल कितना है, 4×5, यही 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया था, 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 से 150 कट जाएगा 30 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया, 30 है यहाँ, 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 से होगा 120, और फिर 30 यूनिट का वैल्यू 30। अब कहता है यही दोनों का मध्यानुपाति हमको चाहिए, ये दोनों संख्या नहीं चाहिए, दोनों का मध्यानुपाति, मध्यानुपाति का सूत्र क्या होता है, √AB, है ना, तो AB की जगह 120 और 30 को रख दीजिए, 130 और 20 को, 120 और 30, इसको अगर तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 30×120 होता है गुना 30, 2×30 से 130 निकल जाएगा, यहाँ 4 है, 4 का वर्गमूल कितना 2 होता है, 4 में 2×2 है ना, 2×2 से 2 निकल जाएगा बाहर, 30×60 आ जाएगा, तो आपका आंसर 60 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया।
देखिए प्रश्न कहाँ लंबा चौड़ा घुमा के पूछ दिया है, मतलब टोटल विद्यार्थी दे दिया छात्र 150 और लड़का लड़की अनुपात दिया है 4:1, तब यूनिट में टोटल मान 5 है तो ये 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 तो 4 यूनिट का वैल्यू 120 और 1 यूनिट का वैल्यू 30। अब ये जो दोनों संख्या आया है 120-30 इसी का मध्यानुपाति आपको निकालना था, मध्यानुपाति मतलब था रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर 120 गुना 130 किए तो कितना मान निकल कर आ गया 60 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना पेचीदा सब है। प्रश्न ये औसत से एवरेज से कि 49, 62, 37, 55 का औसत दिया हुआ कितना 53, इसका औसत 53 दिया हुआ, तो औसत बराबर संख्या का योग बटा संख्या की संख्या, संख्या का योग तो लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5 संख्या की संख्या बटा 5 कर देंगे, तो यहाँ से सबको जुड़ेगा तो 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23 का 3 हासिल 2, 6, 4, 10, 3, 13, 13, 5, 18, 2, 20, 2, 3 अब प्लस वहाँ एक्स बराबर ये उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 53 गुना 5 कीजिएगा तो 5, 3, 15, 5, 25, 1, 26, 265 तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 265 में 203 घट जाएगा, 5 से 3 गया 2, 6 में 0, 62 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 62, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 62, ये आसान था। नेक्स्ट ये भी देखिए एवरेज से ही है, ए बी सी का औसत 9 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का औसत जब 9 है तो योग कितना होगा, या 3 होगा बटे मैंने संख्याओं के बटे संख्या संख्या बराबर ना औसत, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 होगा ना, ये 9 आ गुना ये 3 हो जाएगा नतिया 27, यानी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 27 आ गया ठीक है। ये तो कितना लंबा चौड़ा तुम आपको मतलब आपको समझाने के लिए इतना किए थे कि हाँ ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 फिर ये गुना में चल जाएगा, इतना आपको नहीं करना है वहाँ है ना, इतना आपको नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए औसत दिया है ए प्लस बी प्लस सी का औसत 9 है, औसत 9 है तो योग कितना हो जाएगा 9 गुना 3 हो जाएगा नतिया 27, उसके बाद फिर बी प्लस सी का औसत 10 है तो योग कितना हो जाएगा 10 गुना 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बोले सर 2 कहाँ से आया, 2 संख्या था इसलिए 2 से गुना किया, या 3 संख्या था इसलिए 3 से गुना किए, अब क्या कहता है ए का मान ए बी सी में बी सी घटा दीजिएगा तो ए का मान निकल आ जाएगा, बी सी से बी सी खत्म हो जाएगा तो ए इधर बच जाएगा 27 से 20 गया 7 तो एक वैल्यू 7 आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे बनाना है आपको। ये प्रश्न है कि किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेमी है, मान के लिए डायमीटर 35 सेमी है व्यास, तो रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 35/2 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। आप कहता है उसका कुल तल का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए गोरा कहते हैं ये गोला है क्या है, ये ले लेते शेप ले लेते हैं, रुकिए रुकिए तब समझ में अच्छा सा आएगा, बड़ा ले लेते हैं यहाँ से साइड नहीं होता ना, बड़ा दिक्कत करता है ठीक है, मान के चलिए ये क्या है, ये गोला है, ये गोला का पूरा कितना क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है अगर इसी गोला को मैं यहाँ से काट दे यानी अर्ध गोला बना दे, ये पूरा का क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², जब आधा इसका काटेंगे अगर ऐसे हो जाएगा तब नहीं है, इसका तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 2πr² यानी इसका आधा, पूरा गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² तो अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² यानी इसका आधा हो जाएगा, हमको यहाँ पे अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं कह रहा है कि उसका कुल तल का क्षेत्रफल, तल का तल भी शामिल है उसमें, तो अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr² रहता है, ये जो तल है इसका ये किस आकार का है ये वृत्त आकार है तो इसमें 1πr² और भी जुटेगा, यानी कि 3πr² होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होगा और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होगा ठीक है, यहाँ पे तल मिला के जोड़ा इसलिए यहाँ पे आपको 3πr² लगाना है, तो उसका तल का क्षेत्रफल होता है 3πr², आप बोलेगा सर 3π कहाँ से लाए, तो 2πr² होता है ना अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एक जो वो जो तल है ये किस आकार का है, ये जो तल है ये जो काटा गया है वृत्त का आकार है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो एक और πr² वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr², इसी पे वैल्यू पुट कर दीजिए 3π/2 गुना आर का मान निकले 35² तो 35/2 को 2 बार लिख देंगे, इसी को आपको सॉल्व करना है, इसको फ्रेज से लिख देते 3×22×35/2×35/2 2 से 22 11 बार में 7 से 35 5 बार में, ऊपर में क्या बचा 11 तिया 33 गुना
पैंतीस पंचा कितना होता है, पचे पच्चीस, पाँच या पंद्रह सत्रह बट्टे दो। वाह ये कैलकुलेशन बड़ा है थोड़ा। अब तैंतीस गुना एक सौ पचहत्तर करना है, एक सौ पचहत्तर गुना तैंतीस, पाँच या पंद्रह, सात इक्कीस बाईस, तीन पाँच, फिर वही आ जाएगा पाँच सौ पच्चीस, पाँच सात दस छः, यानी कि छः हज़ार पचहत्तर आ जाएगा। इसको किससे भाग करना है, दो से भाग करना है, कीजिए द्वितीय छः, द्वितीय छः एक दो सत्तर चौदह, दो पंच, तो देखिए यहाँ पाँच दो सात होगा नहीं, रुकिए रुकिए यहाँ गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ जोड़ने में गलती हो गया, पाँच पाँच दो सात, पाँच दो सात पाँच, यानी कि संतावन पचहत्तर है ना, संतावन पचहत्तर को आपको दो से भाग करना है, तो दो दो ना चार, एक दो अट्ठे सोलह, एक दो अट्ठे सोलह, एक दो सत्तर चौदह, दो पंच दस, यानी कि अट्ठाईस सौ सतासी दशमलव पाँच आया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अट्ठाईस सतासी दशमलव पाँच वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपको निकाला, कुछ नहीं था बस वो ब्याज दिया था, तो इसका रेडियस आ जाएगा पैंतीस बटे दो, जब रेडियस आ गया तो उसका कुल तल का क्षेत्रफल मांग रहा था, ठीक है, तो कुल तल का क्षेत्रफल होता है थ्री पाई आर स्क्वायर, इसी में आपको इस वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद आंसर निकालना है, वही हम आंसर निकाले, यहाँ लंबा चौड़ा गुना हो गया, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक निकालना, बहुलक जो सबसे अधिक बार आता है, बारहमारता श्रेणी में जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। ये जो श्रेणी दिया है इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया, कौन सा नंबर, वही आपका बहुलक हो जाएगा, जो भी आया सबसे अधिक बार वही आपका आंसर होगा, उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।